बड़ी खबर आपके सामने। केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी ने टीवी भारतवर्ष से कहा, हम टीएमसी की सारी लाइफलाइन काट रहे हैं। देवश्री चौधरी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। ममता बनर्जी के लोगों को तोड़कर ममता के बाहरी बनाम भीतरी के नारे का जवाब दिया जा रहा है। देवश्री चौधरी जी हमारे साथ हैं, यहाँ आई थी प्रोग्राम में हावड़ा में, जहां पर टीएमसी के जो कई नेता और वर्कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। देखिए मुझसे मेरा आपसे सवाल ये है कि टीएमसी के लोग आपके अंदर आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, और हावड़ा तो उनकी लाइफलाइन कही जाती है, उनका गढ़ कहा जाता है, तो ये स्ट्रेटजी है कि उनकी लाइफलाइन में उनके ही लोगों को लेकर के और उनको हरा दो। एक लाइफलाइन जो मेदिनीपुर में था वो तो हम लोग कट दिया, दूसरा लाइफ दादा वाली, दूसरा जो लाइफलाइन वो हावड़ा आज कट दिया। और अगले दिन में 24 परगना में जहां हम लोग हमारी शोभन चट्टोपाध्याय को ज्वाइनिंग कराया है, वो 24 परगना की लाइन भी कट चुके हैं। आप लोगों ने सारी लाइफलाइन पॉइंट आउट कर रखी है, कब कौन सी काटनी है? जरूर, इस समय पश्चिम बंगला का जनता का एक ही नारा है, एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य है सुनार बंगला बनाना है। जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, और इनका जो नारा लगाने के कारण नहीं है, वो उद्देश्य लक्ष्य लेके कम कर रहे हैं, लगातार कम कर रहे हैं, समय दे रहे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।